हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको पिस्टल यानी टीटी 30 बोर पिस्टल की मैगजीन को सही तरीके से लोड करने का तरीका बताने जा रहे हैं। कोई भी असलहा हो, कोई भी वेपन हो, उसको अच्छे तरीके से आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपको उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता तो ये आपके लिए और माशरे के लिए नुकसानदेह है। एक ज़रूरी हदायत आपके लिए कि नौजवान लड़के इस असलहे का शौक बिल्कुल भी ना करें, अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें, ये माशरे के लिए अच्छी बात नहीं है। कोई भी हथियार आपके पास हो तो वो लीगल होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑथराइज होना चाहिए, आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। गैर कानूनी हथियार आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि इसकी मैगजीन को किस तरीके से लोड किया जाता है। सबसे पहले तो आपने मैगजीन को निकालना है। आपको नज़र आ रहा है ये एक छोटा सा यहाँ पे बटन होता है जिसके अंदर एक ताकतवर स्प्रिंग लगा होता है, और ये इस साइड से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरह से बना हुआ होता है। ये क्यों इस तरह से बना होता है, ये आपकी मैगजीन को अंदर लॉक कर लेता है। आपने इसको प्रेस करना है, प्रेस करेंगे तो आपकी मैगजीन इस तरीके से बाहर आ जाएगी। तो लीजिए व्यूअर्स, आपकी मैगजीन आ गई बाहर। अब इस वक्त हमारे पास इसकी बुलेट्स मौजूद हैं। बुलेट्स को कैसे लोड किया जाता है, आपने सबसे पहले इसको यहाँ से थोड़ा प्रेस करके देखना है कि आया इसका स्प्रिंग जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं। हमें अंदाज़ा हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि इसका स्प्रिंग अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब बारी आती है इसको लोड करने की। आपने बुलेट को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर रख कर इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो लीवर नीचे बैठ जाएगा और इसको पुश करके आप अंदर धकेल सकते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, आपकी बुलेट्स लोड हो चुकी है। बुलेट्स को अच्छे तरीके से लोड किया जाए तो आपकी बुलेट कभी भी पिस्टल के अंदर फंसेंगी नहीं और अपनी बारी के ऊपर चैम्बर में आ जाएंगी। तो लीजिए व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर दूसरी बुलेट्स को लोड करते हैं। इसको भी आपने वैसे ही बुलेट के ऊपर रखना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करना है और अंगूठे की मदद से पीछे धकेल देना। तो लीजिए आपकी मैगजीन होगी लोड। दोस्तों, प्रोग्राम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी टेक्निकल चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। तो आपका मैगजीन इस वक्त अच्छे तरीके से लोड हो गया है। आप इसको पिस्टल के अंदर दाखिल कैसे करते हैं वो भी हम आपको सिखा देते हैं। आपने जैसे पिस्टल के अंदर से मैगजीन निकाला था वैसे ही आपने पिस्टल के अंदर इसको दाखिल भी करना है। इस बटन को आप ज़रूर दबाइए। कुछ लोग जो हैं वो मैगजीन को ऐसे पिस्टल के अंदर डाल के तो धक्का दे रहे होते हैं जिससे पिस्टल की मैगजीन और ये लॉक ख़राब होने का खतरा है। आपने इसको प्रेस करना है और मैगजीन आराम से अंदर चली जाएगी। तो लीजिए व्यूअर्स, मैगजीन पिस्टल के अंदर चली जाएगी और चली गई। देखिए अब ये बाहर नहीं निकल रही। इसको निकालने का तरीका भी यही है कि आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। निकालने और डालने के लिए इस बटन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। देखा कितने आराम से निकल भी आई और अंदर भी चली गई। दोस्तों, ये प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए आने वाले वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपके पास हाजिर होने वाले हैं। तब तक हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।